हेलो एवरीवन, आई एम निर्मल, हिंदी टीचर फ्रॉम सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का क्रिया पाठ पढ़ाऊंगी। क्रिया पाठ की परिभाषा, जो शब्द किसी काम का करना या होना बताते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जहाँ किसी काम के करने या होने का पता चला चले वहाँ क्रिया होती है, जैसे उठना, बैठना, लिखना, गाना, पढ़ना, नाचना, खाना पीना, जागना, बोलना, सुनना आदि, ये प्रमुख क्रियाएं हैं। क्रिया के बिना वाक्य अधूरे होते हैं और अधिकतर क्रिया वाक्य के अंत में आती है। क्रिया दो प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सबसे पहले सकर्मक क्रिया, सहित, साथ, प्लस कर्मक, कर्मक के, अर्थात कर्म के साथ होने वाली क्रिया, जैसे शुभम केक खा रहा है। यहाँ जो शुभम है वो करता है, केक है कर्म है, और जो खा रहा है वो क्रिया है। जिस क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया में क्या प्रश्न का उत्तर मिलता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, अ बगैर बिना, क्रमक कर्म के, अर्थात कर्म के बिना होने वाली क्रिया। उदाहरण के लिए जैसे डेविड नहा रहा है, अगर इसमें हम ये कहें क्या नहा रहा है तो इस प्रश्न का हमें उत्तर नहीं मिलेगा, और बोला जाए कौन नहा रहा है तो इस प्रश्न का हमें उत्तर मिल रहा है। रोहन सो रहा है, कौन सो रहा है। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं, जैसे नहाना, चलना, बैठना आदि। यहाँ इस क्रिया में कौन प्रश्न का उत्तर, जहाँ कौन प्रश्न का उत्तर मिलता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। आज मैंने आपको क्रिया पाठ पढ़ाया, थैंक यू।